आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमेशा उस क्षेत्र में जीतोगे। इस कहानी में आपको सफलता के वह चार मंत्र बताए गए हैं जिससे कि आप अपने जीवन में कभी हार ही नहीं सकते। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल हम में से हर कोई भीड़ में रहकर, लोगों के साथ रहकर भी तन्हा हो चुका है, अकेला हो चुका है, क्योंकि आजकल इस भाग दौड़ भरे जीवन में हर कोई व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। हर कोई अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है, हर कोई केवल इस भाग दौड़ में लगा हुआ है। हर कोई अपने आप को आगे निकलता हुआ देखना चाहता है, हर कोई दूसरे को हारता हुआ देखना चाहता है। खास तौर पर आज की जो युवा पीढ़ी है वह सबसे ज्यादा तन्हा और निराश महसूस करती है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य को लेकर चिंतित रहती है, परेशान रहती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने का सोच रहे होंगे, लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमें अंदर तक तोड़ मरोड़ कर रख देती हैं, और ऐसे परिस्थितियों में हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, और ऐसे में हम उन हालातों के नीचे दब कर रह जाते हैं। ऐसे समय में हर कोई पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, और ना तो तब हमें कोई रास्ता नजर आता है और ना ही कोई समाधान जिससे हम उस विषम परिस्थिति का सामना कर सकें, और ऐसे में हमारा साथ भी कोई नहीं देता। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, और यदि आप भी अपने जीवन में किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप ऐसी चार बातें सीखेंगे जिसे यदि आप उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अवश्य ही अपने जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे। फिर चाहे आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो, आप कोई अधिकारी बनना चाहते हो, या फिर आप किसी क्षेत्र में माहिर होना चाहते हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके लिए आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह कहानी बहुत पहले की है, जब लोग पढ़ाई करने आश्रम जाया करते थे। यह बात उसी समय की है जब दो मित्र थे। एक मित्र बहुत अमीर था और एक मित्र बहुत गरीब था, और दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों बचपन से साथ पढ़े लिखे थे, और बड़े होकर भी वे दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए थे। दोनों एक ही नगरी में रहते थे और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा मिलते जुलते रहते थे। यहां तक कि दोनों की शादियां भी हो चुकी थीं और दोनों को केवल एक ही पुत्र थे, जिसमें गरीब व्यक्ति के बेटे का नाम श्यामू था और अमीर व्यक्ति के बेटे का नाम सोहम था, और वह अमीर और गरीब व्यक्ति दोनों यही चाहते थे कि उनके बेटे भी एक साथ पढ़े, एक साथ बड़े हों। इसलिए उन दोनों ने अपने दोनों बेटों को एक ही आश्रम में पढ़ने भेज दिया, और दोनों ही पढ़ने में होनहार थे। दोनों खूब परिश्रम भी करते थे, लेकिन जहां श्यामू अपने गुरु के उपदेशों को सुनने के बाद, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद, उनकी बताई हुई हर एक बात को अकेले में जाकर स्मरण करता था, वहीं पर दूसरी तरफ अमीर व्यक्ति का बेटा सोहम अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनने के बाद जब वह आश्रम से निकलता तो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और गप्पें लड़ाने में लग जाता, जिस कारण वो पढ़ाई में बहुत कमजोर होता जा रहा था, और सोहम ने कभी भी अपने गुरु के उन उपदेशों का पालन तक नहीं किया, उन्हें कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। ऐसे ही देखते देखते काफी समय बीत गया, और अब श्यामू, जो कि गरीब व्यक्ति का बेटा था, वो अब और भी ज्यादा होनहार हो चुका था। वो आश्रम के सबसे होनहार शिष्यों में गिना जाने लगा और उसकी लोग खूब प्रशंसा भी करते थे। इसी प्रकार समय बीतता गया और समय के साथ साथ दोनों में बहुत फर्क भी आ चुका था। दोनों की शिक्षाएं पूरी हो चुकी थी और शिक्षा पूरी होने के बाद वे दोनों अपने अपने घर को लौट गए। घर लौटने के बाद गरीब व्यक्ति का बेटा श्याम अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मैं व्यवसाय करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा धन चाहिए। इस पर श्याम का पिता कहते हैं, बेटा, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास इतना धन नहीं कि तुम्हें व्यापार करने के लिए धन दे सकूं। तभी श्याम कहता है, पिताजी, आप अपने मित्र धनी सेठ से क्यों नहीं कहते, वह मुझे थोड़ा सा धन कर्ज में दे दे और मैं उनका कर्ज जल्दी लौटा दूंगा। श्याम के पिता अपने बेटे श्याम की बात मान जाते हैं और वह अपने उस धनी सेठ के पास पहुंचते हैं। वह उससे थोड़ा सा कर्ज लेते हैं और अपने बेटे श्याम को दे देते हैं, जिससे श्याम अपना नया व्यवसाय शुरू कर पाता है। उधर दूसरी तरफ उस धनी सेठ का बेटा अर्थात सोहम भी
एक नया व्यवसाय शुरू करता है, लेकिन सोहम को व्यापार करने की इतनी समझ नहीं थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने व्यापार को कैसे आगे ले जाए। वह न तो लोगों से मिल पाता था और न ही अपने काम पर ध्यान दे पाता था। वह तो केवल अपने दोस्तों से गप्पें लड़ाने और उनके साथ मौज मस्ती करने में अपना ज्यादा समय बिता देता था, जिस कारण उसे अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। फिर उसने वह व्यापार छोड़कर एक नया व्यापार शुरू किया, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसका व्यापार नहीं चला और उसे इस बार भी व्यापार में अत्यधिक घाटा सहना पड़ा। फिर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि मित्र, तुम कोई नया व्यापार क्यों नहीं करते? तुम चाहो तो सब्जियों का व्यापार कर सकते हो। सोहम ने अपने मित्र की बात मान ली और सब्जियों का व्यापार शुरू किया, लेकिन वह इस व्यवसाय को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से उसे इस व्यवसाय में भी नुकसान सहना पड़ा। उधर दूसरी तरफ श्याम ने जो छोटा सा व्यापार शुरू किया था, उसने अब अपने व्यापार को तरक्की पर पहुंचा दिया था। उसका व्यापार उन्नति पर था। उसने किसानों के लिए एक ऐसी नई योजना बनाई थी जिस कारण किसानों की पैदावार 2 गुना से 4 गुना हो चुकी थी, और उसने अब अनाज के बड़े बड़े गोदाम खोल दिए थे। बड़े गोदाम अब बड़े से बड़े व्यापारी उसी के पास से अनाज ले जाया करते थे, जिससे शाम को आमदनी में बहुत मुनाफा हो रहा था, और साथ ही साथ शाम उन्हें अपनी आमदनी को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में भी लगा दिया था, जिससे देखते ही देखते शाम उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। वह सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। जहां एक तरफ एक गरीब व्यक्ति अमीर बन चुका था, वहीं पर दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति का बेटा अर्थात सोहम, उसने अपने पिता की सारी संपत्ति धीरे धीरे करके लुटा दी थी। उनका सारा धन बर्बाद कर दिया था और वह अब धनवान से गरीब हो चुका था। और जब सोहम को यह बात पता चली कि श्याम अत्यधिक धनवान हो चुका है, वह इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान व्यक्ति है, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह कैसे संभव है, आखिर वह इतना धनवान कैसे बन गया? हमने साथ में ही शिक्षा ग्रहण की थी और मैं तो पहले से ही धनवान था, फिर उसमें मुझसे ज्यादा समझ कैसे है? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो वह इतना धनवान व्यक्ति बन गया, और मैं जो इतना धनवान था आज बहुत गरीब हो चुका हूं। यह बात सोहम के मन में चल ही रही थी कि तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है कि गुरुवर ने ही शाम को कुछ ऐसी बातें सिखाई हो जिससे वह अपने व्यापार में उन्नति करता जा रहा है और मैं अपने व्यापार में घाटा सहता जा रहा हूं। इसके बाद उसने तय किया कि वह जाकर अपने उन गुरुवर से ही मिलेगा और उनसे ही इस बारे में पूछेगा। अगले दिन सुबह सुबह सोहम अपने गुरुवर के पास पहुंच जाता है। आश्रम पहुंचकर वह अपने गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरु, आप तो धोखेबाज हो। आपने शाम को कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी विद्या सिखाई है जो आपने मुझे नहीं सिखाई। यह सुनकर वह गुरु बड़े आश्चर्यचकित हुए और वह बड़ी शांति से सोहम से पूछते हैं, क्या बात है सोहम, आखिर क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो अपने सभी शिष्यों को एक ही शिक्षा प्रदान करता हूं। मैं सभी को समान समझता हूं और सभी को समान शिक्षा भी प्रदान करता हूं। इस पर सोहन कहता है, अगर यह बात सच है, गुरुदेव तो श्याम जो पहले इतना गरीब था, वो लगातार उन्नति कैसे कर रहा है? और मैं जो पहले इतना अमीर था, मैं दिन ब दिन इतना गरीब कैसे होता जा रहा हूं? आखिर वह अपने जीवन में इतना सफल कैसे हो सका? आखिर मैंने और उसने आपसे ही तो शिक्षा ग्रहण की है, हमने सारा वक्त यहीं पर बिताया है, फिर वह अपने जीवन में इतना सफल कैसे हैं? मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे व्यवसाय में कभी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरा हर एक व्यवसाय नुकसान में ही चलता चला गया। मुझे हर जगह घाटे ही सहने पड़े। आप झूठ कहते हैं, आपने उसे अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान दिया है जिस कारण वह सफलता की उन ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है, क्योंकि वह आपका प्रिय शिष्य था, जिस कारण आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो शाम को देखिए, उसके पास तो कुछ भी नहीं था और आज वो इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान व्यक्ति बन चुका है। तो बताइए मुझे, आपने शाम को ऐसा क्या ज्ञान दिया है जिसका इस्तेमाल करके वह इतना धनवान बन चुका है? सोहम की यह सारी बातें उन गुरुवर ने बड़ी शांतिपूर्वक सुनी। इसके बाद वह मुस्कुराने लगे और सोहम से कहते हैं, सिर्फ मेहनत करने से यदि सफलता मिल जाती तो मजदूर जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं आज वही सबसे धनवान व्यक्ति होते हैं।
और रही बात असफलता की, तो इसका कारण केवल और केवल तुम ही हो, क्योंकि तुमने सही दिशा में और ठीक से मेहनत नहीं की है और ना ही तुमने अपने व्यवसाय पर कभी ध्यान दिया। मैं मानता हूं कि तुमने मेहनत की है, लेकिन तुम्हारी मेहनत सही ढंग से नहीं थी। यदि तुम भी शाम की तरह ठीक ढंग से मेहनत कर रहे होते तो एक ना एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलती। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी तुमने कोई व्यवसाय शुरू किया तो तुमने बिना सोचे समझे उस पर मेहनत करनी शुरू कर दी, बिना यह जाने कि क्या जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम्हारी रुचि है या नहीं, क्या तुम उस कार्य को उस उन्नति तक ले जा सकते हो या नहीं। जब भी तुम किसी कार्य को करते हो तो तुम्हें इन चार चरणों से होकर गुजरना होता है, और यदि तुम इन चार चरणों को ध्यान में रखोगे तो तुम भी अवश्य सफल हो जाओगे। इस पर सोहम कहता है, हे गुरुदेव, बताइए मुझे वो कौन से चार चरण हैं, मैं उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा। मैं भी सफल होना चाहता हूं, मैं भी कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, यदि तुमने इन चार बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो अवश्य ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आगे वे गुरुवर सोहम को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी कार्य तुम शुरू करने जा रहे हो उस कार्य के बारे में अच्छी तरह से सोच और समझ लो, अर्थात बिना सोचे समझे किसी भी क्षेत्र में यूं ही ना कूद पड़ो। और सबसे जरूरी बात कि जो भी कार्य तुम करने जा रहे हो उस कार्य में तुम्हारी रुचि होनी चाहिए, फिर चाहे वह कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यदि तुम उस कार्य में रुचि रखते हो तो तुम अवश्य ही सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सकोगे। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस तुम्हें उस कार्य को करने आना चाहिए, अर्थात कि तुम्हें उस कार्य के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। और यदि तुम उस कार्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उस कार्य के बारे में तुम्हें उतनी समझ नहीं है, तो तुम सीख सकते हो, उस कार्य को समझ सकते हो। इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन इससे तुम एक सही निर्णय ले सकते हो। इससे तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि उस कार्य को करने के लिए तुम्हें कितना समय लगेगा, उस कार्य को उन्नति तक पहुंचाने में तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। यदि तुम्हें इन सब चीजों की समझ आ गई तो तुम किसी भी व्यवसाय को सफल बना सकते हो, अन्यथा दुनिया में असंभव को मजाक बनते समय नहीं लगता। जैसा कि तुम्हारे जीवन में खुद घट चुका है, तुम्हारा मित्र जो तुमसे कहीं ज्यादा गरीब था, आज वो इस नगरी का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी है, सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति है, और तुम्हारे पिता जो कि इस नगरी के सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति थे, आज वह कहां है ये तुम भी जानते हो, जिसके पास खाने के लिए ठीक ढंग से खाना नहीं था, आज वो कहां पर है, उसने किन ऊंचाइयों को पाया है, ये तुम देख सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए जिस भी कार्य को तुम करना चाहते हो, जिस भी व्यवसाय में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, उस व्यवसाय के बारे में पहले अच्छे से जानकारी इकट्ठा करो, ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें उस व्यवसाय के बारे में सही और सटीक जानकारी दे सके, उनसे मिलकर उस व्यवसाय के बारे में सही जानकारी एकत्रित करो, और जब वो जानकारियां तुम इकट्ठी कर लो तो उनका अध्ययन करके तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि क्या तुम उस व्यापार को उस उन्नति तक पहुंचा सकते हो या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस व्यवसाय को उस उन्नति तक पहुंचा सकते हो तो तुम बिना सोचे उस व्यवसाय में जुड़ जाओ और अपना 100% लगा दो। लेकिन यदि तुम बिना सोचे समझे उस व्यवसाय को करते हो तो 100% तुम असफल ही रहोगे, और ऐसा ही हम में से अधिकांशतर लोग करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और उस व्यवसाय के साथ उन्हें और क्या क्या करना होगा। बस किसी ने उनसे कह दिया कि ये व्यवसाय अच्छा है, वो उस व्यवसाय में कूद पड़ते हैं, लेकिन जब वो उस व्यवसाय को करने लगते हैं तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और आखिरकार वह असफल हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले लोगों से सीखो कि वह क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा करो, फिर उस कार्य को करो। हो सकता है शुरू शुरू में तुम्हें इसमें थोड़ी सी तकलीफ आए, हो सकता है कि तुम्हें यह काम असंभव भी लगे, लेकिन जब तुम उस कार्य को बार बार करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जागने लगेगा और वह कार्य भी तुम्हें आसान लगने लगेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैदा होते ही सारी चीजें नहीं सीख लेता, वह बड़े होकर हर एक चीजों को एक एक करके सीखता चला जाता है। जैसे जब तुमने पहली बार लिखना शुरू किया था तो क्या तुम्हें अच्छी तरह लिखना आता था? नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुमने उस पर निरंतर अभ्यास किया, उसे समझा, उसे परखा,
और फिर धीरे धीरे तुम लिखने में निपुण हो गए और आज यदि तुम चाहो तो आंखें बंद करके भी वह ज्ञान लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि तुम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुमसे कई बार गलतियां भी होंगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उस क्षेत्र को छोड़ दो, बल्कि उस पर निरंतर अभ्यास करते रहो। अपनी गलतियों के बारे में सीखो, समझो, उसे सुधारो, जिससे तुम्हारे लिए हर परिस्थितियां आसान होती चली जाएंगी, हर तकलीफें सुलझती चली जाएंगी और तुम अपने व्यवसाय को, अपने लक्ष्य को पाने की ओर और तेजी से आगे बढ़ते चले जाओगे। हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा गुरु है जिससे तुम सीख सकते हो, समझ सकते हो, तो उनसे सीखो और आगे बढ़ो। आगे वह गुरुवर स्वामी से कहते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी क्षमताओं पर यकीन करो, लेकिन सही दिशा में मेहनत करो, क्योंकि तुमने तो देखा ही होगा अधिकांश लोग शुरू शुरू में अपने लक्ष्य के प्रति बहुत जोश से भरे होते हैं और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनका यह जोश खत्म होता चला जाता है और वह अपनी रफ्तार को भी बहुत धीमी तरह से करने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो हमारे मन में उत्साह होता है और जब हम उसी कार्य को लंबे समय तक करते रह जाते हैं तो हमारा मन भी उस काम से भरने लगता है, हमारा मन उबने लगता है। इसलिए कहता हूं केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है। तुम किसी किसान को ही देख लो, वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है और यदि मेहनत करने से कोई भी व्यक्ति अमीर हो जाता, कोई भी व्यक्ति धनवान हो जाता, तो फिर किसान भी अत्यधिक धनी होते। इस संसार में हर एक व्यक्ति मेहनत तो करता ही है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन किसी की मेहनत दिखाई देती है तो किसी की नहीं। जिस प्रकार एक राजा भी मेहनत करता है, उसे भी अपने पूरे राज्य को चलाना होता है, वह मेहनत तो करता है लेकिन उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक किसान जो दिन रात अपने खेतों में लगा रहता है, उसकी मेहनत सभी को दिखाई पड़ती है। सभी वह देख पाते हैं कि यह किसान कितना मेहनत करता है, लेकिन राजा की मेहनत को कोई नहीं देख पाता, क्योंकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बड़ा महल है, रथ है, घोड़ा गाड़ी है, सवारी है, जिस कारण लोग उनकी मेहनत तो नहीं देख पाते लेकिन उनकी सुख सुविधाओं को अवश्य देख पाते हैं, उनके वस्त्र, उनका घर, उनके हाथी घोड़े। तो यहां पर इतना तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि मेहनत दोनों करते हैं, फर्क सिर्फ यहां पर यह है कि एक नियमानुसार मेहनत करता है और एक बिना नियम के। आगे वह गुरुवर सोहम से कहते हैं, तुमने मेहनत तो बहुत की लेकिन तुमने किसी भी नियम का पालन नहीं किया, तुम्हारी व्यवसाय में कोई अनुशासन नहीं था, तुम बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहते थे जिससे तुम्हारा समय व्यर्थ होता चला गया। और वहीं पर दूसरी तरफ श्याम ने केवल एक ही व्यवसाय पर पूरा ध्यान दिया, अपना शत प्रतिशत लगाया, उस व्यवसाय के बारे में और सीखा, उसे समझा, अपनी गलतियों से भी उसने सीख प्राप्त की और लगातार वो उसमें मेहनत करता गया, जिस कारण आज वो इतना सफल है। वहीं पर दूसरी तरफ तुम लगातार अपना व्यवसाय बदलते रहे, अपना समय व्यर्थ करते रहे, जिस कारण आज तुम कहां हो ये तुम भी अच्छे से जानते, ये तुम हो। यदि तुम भी सही दिशा में और सही ज्ञान लेकर आगे बढ़ते, मेहनत करते, तो आज तुम भी सफल होते। लेकिन तुमने तो लोगों की बातों पर ध्यान दिया, अपने मित्रों की सलाह को जरूरी समझा, लोग तो तुम्हें भटकाने का काम करते ही रहेंगे, उन्हें क्या, वो तो कहेंगे ही कि यह कर लो, वह कर लो, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा। और तुमने उनकी बात मानी, उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा ही किया और इसका क्या अंजाम हुआ ये तुम भी जानते हो। देखो सोहम, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है और हमें अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसे सही दिशा में लगाना चाहिए, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी क्षमता है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी रुचि है। हम तो बस इस चीज में लगे रहते हैं कि आज हमने कोई व्यवसाय शुरू किया और कल हमें उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आप कोई बीज बोते हैं तो वह तुरंत ही, अर्थात अगले दिन या एक सप्ताह में, वह बढ़कर एक पेड़ की तरह फलां फूला नहीं हो जाता। इस चीज को समय लगता है, एक बार में सब कुछ नहीं होता। अगर तुम एक साथ में सब कुछ पाना चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाओ अपने क्षेत्र में और जानकारियां इकट्ठी करो, उसे सीखो,
समझो, खुद का मूल्यांकन करो, अपनी ताकत को समझो, जो तुमने सीखा है उस पर यकीन करो, खुद पर यकीन करो। शुरू शुरू में थोड़ी बड़ी दिक्कतें तो अवश्य आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और सब कुछ समझ में आने लगेगा। और तुम्हें कभी यह लगे कि जो मुश्किल इस समय तुम्हारे सामने है वो बहुत बड़ी है, तो उस मुश्किलों के बारे में अध्ययन करो, उसे पराजित करने का प्रयास करो, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को मजबूत करो, उसके बारे में अच्छे से सीखो, क्योंकि तुम ऐसे अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसी तकलीफें हो रही हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इन तकलीफों के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि वहीं पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इन परिस्थितियों को हराकर आगे की ओर बढ़ चलते हैं। आगे वे गुरुवर सोहम से कहते हैं, हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, हर परिस्थिति में कुछ अलग होता है, कुछ नया होता है, और हर परिस्थिति आपको बार बार अलग रूप ही दिखाएगी, क्योंकि यही संसार का नियम है। आज जो है वो कल नहीं होता, और कल जो है वो परसों नहीं होता, इसलिए समय के साथ अपने आप को भी और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है, ताकि हम आने वाले परिस्थितियों का सामना कर सकें। अपने आप को समय के साथ बदलना पड़ता है, समय के साथ चलना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिस तरह से बाकी लोग सफल हुए हैं उसी राह पर चलकर हम भी उसी तरह से सफल हो जाएं। यदि आपको वह तरीका अपनाकर सफलता नहीं प्राप्त हो रही, तो तुम खुद का तरीका बनाओ, खुद का नया मार्ग बनाओ। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो एक बार की असफलता पर अपना पूरा क्षेत्र, अपना पूरा व्यवसाय ही बदल देते हैं। शुरुआत में भले ही आप उस क्षेत्र में, उस व्यवसाय में असफल हुए हों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप बार बार असफल ही होंगे। उस असफलता से भी आपको कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ अनुभव प्राप्त होता है। उसे ग्रहण करें, उसे स्वीकार करें और अपनी असफलता से सीखें, और अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल करके आपको उसी क्षेत्र में सफल होकर दिखाना है। इसके लिए बस आपको अपने पुराने तरीके को छोड़कर कोई नया तरीका अपनाना होता है। कहा जाता है ना, जब हमारे लिए एक रास्ता बंद हो जाता है तो उसकी जगह पर अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए हमें केवल उस रास्ते की तलाश करनी है जो रास्ता हमें अपने मंजिल तक ले जा सके। लेकिन हमें कभी भी अपनी मंजिल नहीं बदलनी है। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोग यही गलती करते हैं कि वो बार बार एक ही रास्ते को अपनाते हैं, क्योंकि वह उन्हें अच्छा लगता है, वह रास्ता उन्हें पसंद है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर कठिनाइयां होती हैं, उसी रास्ते पर आगे चलकर हमें सफलता भी प्राप्त होती है। इसलिए आसान रास्ता न चुनकर हमेशा अपने लिए एक सही रास्ता चुनने का प्रयास करें। आगे वह गुरुवर सोहम से चौथी और सबसे जरूरी बात बताते हुए कहते हैं, जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, शरीर से भी और दिमाग से भी। यह जीवन एक संघर्ष ही तो है, आप इसे या तो हंसकर लड़ोगे या तो रोककर। लेकिन जीवन का मजा तो तब है जब आप इन संघर्षों को हंसकर इन्हें चुनौती दें, क्योंकि इन संघर्षों से तो हमें लड़ना ही है, तो रोककर क्या फायदा। इससे अच्छा है कि हम हंसकर इनका सामना करें और इन्हें चुनौती दें। लड़ाई में दो ताकत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, पहली मानसिक और दूसरी शारीरिक। जब आप कोई नया कार्य करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे कुछ ना कुछ तो गलतियां अवश्य होंगी, और उन्हीं गलतियों पर लोग हंसते हैं और हम निराश हो जाते हैं और हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप मानसिक तौर पर मजबूत बने, उनकी हंसी को अपनी ताकत बनाएं, अपनी हिम्मत बनाएं, और वह करके दिखाओ जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो। इसी प्रकार जब हमें कोई डांटता है या हमें कोई कुछ भला बुरा कहता है, तब भी हमें बहुत बुरा लगता है और हम निराश होने लगते हैं, हम चिंतित होने लगते हैं, हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ केवल दुख ही दुख है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें अपने मानसिक तौर पर हमें मजबूत बनाना चाहिए। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा हमें तोड़ने का ही काम करेंगे। लेकिन हमें अपने आप को जोड़े रखना है, अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का ही होता है, जो हमें हमेशा मजबूत बनाए रखते हैं, हमें हमेशा ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं। यदि हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो वह हमसे यही कहते हैं, क्या हुआ बेटा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर हो जाएगा। लेकिन इस तरह निराश ना बैठो, आगे बढ़ते रहो। और दोस्तों,
जीत आपके मन पर ही निर्भर करती है। यदि आपका मन कमजोर है तो आप कभी भी जीत नहीं सकते, लेकिन यदि आपका मन मजबूत है, आपका इरादा पक्का है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। यदि आप अपने मन के मित्र बन जाएं तो आपको कोई भी काम बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर यदि आपका मन ही आपका शत्रु बन बैठा है और आपको हर वक्त भटकाने का प्रयास कर रहा है, तो आप कुछ देर तो उसे नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन उसके बाद वह आपको अवश्य ही हरा देगा और आपको आपके काम से दूर ले जाएगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना भी आवश्यक है, उसे मजबूत बनाना भी आवश्यक है। और इतना ही नहीं, आपको अपने शरीर पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह ताकत, यह उत्साह हमारे अंदर तभी पनपेगी जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, और हमारा यह शरीर ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है, हमें सफलता दिलाने में यह हमारी सहायता करता है। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोग अपने काम के चक्कर में कभी भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, वह उल्टा सीधा खाना खाते रहते हैं, तरह तरह की चीजें सुनते और देखते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर पर और हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए